विगत 11 सितंबर को पांडेपुर चौराहे के पास से मोबिल गिराकर स्कॉर्पियो से 7 लाख रुपए की टप्पीबाजी में शामिल अभियुक्त को कैंट पुलिस ने तारीख थाना तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभियुक्त के पास से 40,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान इसका खुलासा किया है। आज दो घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें कैंट थाने में एक 7 लाख रुपए की टप्पेबाजी की घटना हुई थी। उसका एक अभियुक्त अभिषेक राजभर, जो निवासी हुबली का है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 40,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। और ये एक बड़ा गैंग है, ये हुबली बेस्ड गैंग है। ये 8-10 के ग्रुप में आते हैं और कई घटनाएँ करके वापस लौटते हैं, और उसी टीम का ये पार्ट था। इनके द्वारा अन्य जनपदों में भी कई घटनाएं की है, जिसमें प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं इनके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है। अधिकतर ये जो कैश बैंक से रिलेटेड कैश होता है उसको टारगेट करते हैं, और जो कैश वैन का ड्राइवर होता है या जो पैसा लेके जाता है उसका ध्यान किसी चीज़ में आकर्षित करके चोरी से पैसा जो है निकाल लेते हैं, और कंप्लेनेंट को पता भी नहीं चलता है। काफ़ी देर से पता चलता है, तब तक ये लोग ट्रेन पकड़ के जो है वहाँ से घटनास्थल से जो है फरार हो जाते हैं। तो इस तरह से एक अभियुक्त अभी पकड़ा गया है, अन्य गैंग के मेंबर्स को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रचलित है। क्या पैसे वगैरह का भी गिरा के प्रलोभन देते हैं? ये कई बार पैसा भी गिराते हैं, अलग अलग तरीके से ये घटनाएं करते हैं। कई बार पैसा गिराते हैं, कई बार कुछ मोबिल ऑयल गिरा देते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से ये घटनाएँ करते हैं।